नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने YouTube चैनल मोदी जायका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का कबाब, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल का कबाब बनाने के लिए देखिए, हाफ के जी कटहल लिए हैं और कटहल को जो है ये कच्चा कटहल है, पका हुआ कटहल जो है वो मीठा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि सब्जी वाला कटहल लेना है आपको। और कटहल को हल्दी और नमक डाल के इसको जो है बॉईल कर लिए हैं, और आधा कप बेसन लिए हैं, लहसुन और अदरक को बारीक काट लिए हैं, तीन चार जो है हरी मिर्च को भी बारीक काट लिए हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और चाट मसाला, और दो बड़े प्याज को जो है बारीक काट लिए हैं, और पुदीना पत्ता को भी जो है बारीक काट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले आप जो है कटहल के जो है उबले हुए कटहल को बिल्कुल बारीक बारीक जो है काट देंगे, या तो चाहें इसे जो है आप अच्छे से जो है मैश भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और ध्यान रखेंगे कि जो कटहल के बीज निकलते हैं इसके ऊपर जो है, अगर जो है बीज जो है बहुत हार्ड है तो इसे निकाल देंगे, अगर मुलायम होगा तो इसके कवर को जो है निकाल देना है हमें। देखिए इसके छिलके को उतार दिए हैं, ये बॉयल हो जाने के बाद भी कड़ा रहता है और मुंह में आने के बाद जो है घुलता नहीं है, इसीलिए इसे निकाल देंगे और इसको भी जो है बिल्कुल बारीक बारीक जो है काट देंगे और इसे मैश कर देंगे हम। देखिए इसे इस प्रकार जो है मैश कर देंगे हम लोग, जिससे बिल्कुल बारीक हो जाए। देखिए इस प्रकार से मैश कर देंगे। कढ़ाई को गैस के फ्लेम पे रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें जो है दो छोटा चम्मच जो है तेल या घी को जो है ऐड करेंगे। आधा कप बेसन लिए हैं, बेसन को जो है कढ़ाई में जो है डाल दिए हैं, और इसको जो है हमको भून लेना है। ध्यान रखेंगे कि इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो जो है हमारा बेसन जल जाएगा। बेसन को तब तक हमें जो है फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन और कलर जो है चेंज ना हो जाए इसका, तब तक हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। देखिए बेसन का हमारा कलर जो है चेंज हो गया है, बिल्कुल भुना हुआ खुशबू भी आ रहा है। इसमें मैश किए हुए कटहल को जो है डाल देंगे, और ध्यान रखें गैस के फ्लेम को जो है कम कर दें बिल्कुल, नहीं तो बेसन हमारा जो है जल जाएगा। इसमें बारीक कटे हुए दो प्याज को भी जो है ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च को भी जो है ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसे भी जो है डाल देंगे। अगर आप तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च हम लोग ऑलरेडी डाले हैं, तो लाल मिर्च कम डालें। एक चम्मच लाल मिर्च को भी जो ऐड करेंगे, एक चम्मच चाट मसाला को भी जो है ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन जो है बारीक कटा हुआ है इसे भी डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला है इसको भी ऐड करेंगे, एक चम्मच जो है धनिया और जीरा पाउडर को भी जो है ऐड करेंगे, हरा धनिया पत्ता को जो बारीक काट लिए हैं इसे भी ऐड करेंगे, बारीक पुदीना पत्ता के बीच कटे हुए इसे भी ऐड करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो स्कैप कर सकते हैं, और इन सभी को जो है एक डो के शेप में जो है तैयार कर लेंगे। बेसन डालने का मकसद होता है कि हमारा जो है कटहल में जो पानी है इसको जो है ये एब्जॉर्ब कर ले, जिससे हमारा जो है कबाब जो है अच्छे से कटहल का कबाब बन सके। नमक तो डालना भूल ही गए दोस्तों, ये एक चम्मच जो है नमक को जो है ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। देखिए डो हमारा जो है बनके रेडी हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे ताकि चिपके नहीं, हाथ में लगा लेंगे,
और जिस साइज का आपको कबाब बनाना हो उस साइज का जो है लेकर के आप जो है देखिए इस टाइप से गोल कर देंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे वरना क्रिस्पी नहीं बनेगा कबाब हमारा। और इस टाइप से जो है इसे बना लेंगे, सारे पीस को जो है इस तरीके से पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से सभी पीस को तैयार कर लेंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर दिए हैं और एक तवा रख दिए हैं और इसमें हम जो है तेल डाल देंगे। आप अगर चाहते हैं डीप फ्राई करना तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और सैलो फ्राई करना चाहते हैं तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम जो है सैलो फ्राई करेंगे इसे, तेल को जो है चारों साइड जो है फैला लेंगे। देखिए कबाब जो है इस तरह से बना लिए हैं, अब जो है इसको हम फ्राई करेंगे। सभी पीस को जितने पीस आएंगे सारे जो है डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पे ही जो है करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो हमारा। और फुल फ्लेम पे करेंगे तो बाहर से तो जो है ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से जो है कच्चा ही रह जाएगा। देखिए अब इसे जो है हम दूसरे साइड के लिए पलट देंगे, दोनों साइड जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए हमारा जो है कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है सारे कबाब को हम जो है सेक लेंगे अच्छे से। एक बार में उतना ही डालें जितना जो है एक बार में आ जाए। इसे दूसरे साइड भी पलट देते हैं। देखिए बिल्कुल ही क्रिस्पी जो है हमारा आया है, कलर आया है। देखिए हमारा कटहल का कबाब जो है बिल्कुल जो है रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी मेरे इस रेसिपी को अवश्य ट्राई करें और इसे सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ जो है सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को दबा दें जिससे लेटेस्ट वीडियो हम आपके पास ला सके। धन्यवाद।